वेस्ट अज़रबैजान, तो इनसे कुछ बातें करते हैं जी। अच्छा लग, कैसा लगा यार ये सफर आपको ओवरऑल इंडिया इसका ईरान का? पहले तो मैं बहुत ही आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज अपनी आप वीडियो में मुझे शामिल कर रहे हैं, बहुत ही थैंक यू। और मतलब इंडिया और पाकिस्तान की जोड़ी इस तरीके से बनी रहे, और हम ब्लॉग के माध्यम से भी ये कोशिश करते हैं कि भाई सब में प्यार बढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि हम इतने टाइम से हम साथ में रहे, करीब शायद 9 या 10 दिन हम लोगों ने साथ बिताए होंगे इन टोटल, क्योंकि पहले भी मैं 4-5 दिन यहाँ आया था और भाई साहब भी आ गए, मतलब बिना मेल मिलाप होता रहा, मेल मिलाप होता रहा, ऐसा लगा कि अब ईरान में नहीं है, मानो किसी मतलब कहते हैं ना कि अपनी लोकेलिटी में, अपने मोहल्ले में। तो ईरान में हम लोगों ने मतलब साथ में हम लोग थे 9 दिन करीब, और साथ में एक दो भाई और, अब तो अफगानिस्तान से भाई आ गए, ये भाई ऋतिक रोशन और सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद देते हैं कि इनका स्लोवाकिया का वीजा जो है वो लग गया है, ये इंशाल्लाह कल चले जाएंगे स्लोवाकिया के लिए। और ये अजीज भाई हैं, तो इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, इनको काफी दिनों के बाद आज जो है आजादी नसीब हुई है, तो आपको सवाल पूछना चाहेंगे, अपने आप से सवाल भी पूछते, सवाल बहुत सारे हैं ज़हन में, जो सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आपने अभी सफ़र किया 9-10 दिन ईरान में, तो आपको मुख्तलिफ मुल्कों के जो है वो लोग मिले होंगे अपने हॉस्टल में सरेरा, और पाकिस्तानी लोग भी जो है ना आपको काफ़ी मिले होंगे, तो आपने अगर आप कंपेरिजन करें इन मतलब पाकिस्तानियों का दूसरे गैर मुल्की जो हैं, तो कैसा महसूस किया आपने पाकिस्तानियों को? मतलब सबसे पहली बात तो मतलब ऐसा ही लगा कि पहले तो देखो कुछ है ही नहीं, हम पूरा एक टाइम था जब पूरा सब लोग साथ में ही रहते थे, तो अब जैसे कि कभी होता है हम बैठे होते हैं साथ में, इन्हें कोई इंडियन बोल देता है, मुझे कोई पाकिस्तानी बोल देता है, तो हम लोग हाँ में हाँ कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है यार आप जो कह रहे हो वही सही है, एटलीस्ट दोनों जगहों का नाम ले रहे हैं, एटलीस्ट समझते तो हो मैं, बिल्कुल अगर किसी को कुछ भी कह रहे हैं तो इससे ही पता लगता है कि भाई मतलब हम लोगों का साथ में, हमने खाना बनाया बहुत सारा, क्योंकि जब साथ में जब होते हैं तो खाना बना के और खा के और दूसरों को खिला के उसमें हमने बहुत ज्यादा मजा लिया, ऐसे हालांकि बनाया तो ज्यादा नहीं, शायद 2 या 3 बार हम लोगों ने बनाया, तो काफी सारी मील्स हमने साथ में खाई, काफी जगह साथ में घूमे, और मतलब देखो ये जो ब्लॉग होता है ब्लॉग के तरीके से ही हम मतलब वो कर सकते हैं और आपको भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से सब बढ़िया है, एक साथ रह रहे हैं, और जैसा कि इंडियन भाई तो कोई नहीं मिला मुझे यहाँ पर, और सारे ही सब पाकिस्तान से ही थे और अफगानिस्तान से पहले मिले थे, तो हम लोग साथ में ही थे पूरे मतलब ऑलमोस्ट ट्रिप तेहरान में, और भाई वो शाम की बातें हॉस्टल की और वो सुबह का नाश्ता साथ का याद आएगी, ये सारी बातें वो सारी याद आने वाली है, बहुत ही बढ़िया। और इनको भी हम कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहते हैं, इनका मतलब PhD स्टूडेंट है ये, मतलब PhD में स्कॉलरशिप मिलना एक बहुत बड़ी बात है, तो आपको दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू कि आप पाएंगे, आप जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट, काफी दिनों के बाद जा रहे हैं। अच्छा ख्याल रहा, ये बताओ कि आप दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सफ़र करते हो, तो पाकिस्तान आने को दिल नहीं करता? हाँ पाकिस्तान आने को दिल तो करता है वैसे, लेकिन थोड़ा वो वीज़ा के इश्यूज हैं दोनों साइड से, तो जैसे कि बहुत सारे वहाँ पर चीज़ें हैं देखने के लिए और लोगों को समझने के लिए जानने के लिए। अगर मैं अपने मतलब रूट्स की बात करूँ तो पहले के जब बंटवारे से पहले लोग इधर से इधर आए हैं, इधर से इधर जाए हैं, तो भाई मतलब मैं भी एक तरीके से मुल्तानी हूँ, पंजाबी हूँ, तो वही क्षेत्र का हम लोग रूट्स वही है सेम, मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो कल रहा आपको जो है ना हम इनवाइट करते हैं पाकिस्तान में, यू आर वेलकम इन पाकिस्तान, और हर तरह आपको जो किसी चीज़ की जरूरत हो, आपको इन्विटेशन की जरूरत है पाकिस्तान में, तो वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए हाजिर, जान भी हाजिर आपके लिए, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। जिस तरह आपने कहा पाकिस्तान के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी जो है वो किसी ना किसी हवाले से
ये सोचते हैं कि अगर उसको मौका मिले ज़िंदगी में तो वो इंडिया का सफ़र ज़रूर करे। आपने तो तीन बार आए। हाँ जी, मैंने सफ़र किए हैं, लेकिन मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया का सफ़र करना चाहते हैं। उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक तो इंडिया रंगारंग तहजीबों का मरकज़ है, इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, और दूसरा जो एक अहम बात और है कि बहुत सारे लोग इस हवाले से भी इंडिया जाना चाहते हैं कि वो अपने फोर फादर्स की जो है ना वो मकान की ज़मीनें जो हैं वो देखना चाहते हैं। तो इस हवाले से भी यही है कि अगर कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि वीज़े की जो पाबंदियाँ वो थोड़ी कम हो जाएँ, आसानी से वीज़ा मिलना शुरू हो जाए, तो ना सिर्फ ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो जाएंगे, बल्कि ये सरकारों के लिए भी बेहतर है कि टूरिज़्म डेवलप होगा, लोग जाएँगे जाके एक्सपेंडिचर करें, खर्चा करेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा उधर। तो उस हवाले से क्या कहते हैं आप कि वीज़े की जो आसानियाँ हैं वो हो जानी चाहिए मेरे ख्याल में? हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल वीज़ा की आसानी मिलनी चाहिए और दोनों साइड से मतलब एक जॉइंट कॉपरेशन बनना चाहिए, एक स्मूथनेस रहनी चाहिए दोनों साइड से ही। कई बार ऐसा होता है कि ये जो जॉइंट मेंबरशिप होती है इसमें एक तरफ से आसान है एक तरफ से डिफिकल्ट है, ऐसा भी ना हो, दोनों साइड से एक बराबर दोनों सरकारें मिले और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ट्रैवलिंग पॉसिबल हो ताकि हम लोगों का मिलना मिलाना और ज़्यादा हो और खूबसूरत पाकिस्तान को हम देखें और आप खूबसूरत इंडिया को देखें हम। तो ऐसे है कि एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इंडिया या पाकिस्तान की जो सरकार है वो अपने जो उनके मसाइल हैं, उनकी जो है दुविधाएँ हैं, उनको अपने तक रखें, हमें उनसे कोई सरोकार नहीं है। हमें सिर्फ सरोकार है कि हमें मैन टू मैन जो इंडिया के लोगों के साथ जो है वो मिलने का मौका दें, ताकि ये जो मिलना मिलाना होता है ना इससे भी नफरतें कम होती हैं, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा दोनों साइडों पे, पाकिस्तान में भी और इंडिया वाली साइड पे भी, कि वीज़े की आसानियाँ करें ताकि लोग इधर आ जा सकें। अच्छा, तो अभी आगे क्या प्लान है अभी प्लान थोड़ा लंबा है, अभी पिछले 4-5 दिन से तो रिलैक्स ही चल रहा था। अच्छा, तेहरान में अभी तो जनजान जाने की प्लानिंग है। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लगता है तेहरान को ही ज्यादा पसंद आ गया? तेहरान मतलब किस चीज ने आपको रोक के रखा है इतनी देर? मुझे वीज़ा भी अपना एक्सटेंड कराना था। अच्छा, तो अगर मैं यही वीज़ा नॉर्थ से एक्सटेंड कराता वो शायद चांसेस कम होते, क्योंकि वहाँ पर जो केस है ना वो गलत ले सकते थे मेरे अप्रोच को, तो इसलिए मैंने नॉर्थ सब से नहीं कराया। वो सोचते कहीं मैं टर्की वाला था तो मतलब तेहरान में, इसलिए मैंने अपना वीज़ा एक्सटेंड कराया और ठीक था। भीड़ भाड़ थोड़ी तेहरान में वीज़ा ऑफिस में ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी स्मूथली हो गया। आप 3 बार मतलब अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं 3 महीने के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब 1 महीने का तो वीज़ा मिलता है, 2 महीने का और करा सकते हैं, फिर लास्ट में आपको मिलती है वार्निंग निकलने के लिए। तो बस इसलिए तेहरान आए, सोचा 2 दिन रहेंगे, आप भी आए ज्वाइन करा, फिर एक्सटेंड होता गया, एक दिन तो भाई के वीज़ा के लिए एक्सटेंड करा लिया। अच्छा, लव बताओ जरा कि पाकिस्तान के हवाले से आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी जगह है जिनको देखने का मन करता है इंडियन लोगों का, कौन सी मतलब ऐसी टूरिस्टिक प्लेसेस हैं, या वैसे कौन कौन सी जगहों को जानते हैं आप पाकिस्तान? मैं वैसे ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं उज्जा वैली, अच्छा उज्जा वैली के बारे में है सुना है, मतलब बहुत पाकिस्तान का मैं फूड बहुत ट्राई करना चाहता हूँ, मतलब अच्छा आपकी सब दूध वाली चाय और वो सब बढ़िया है, और पराठा वो मीठा वाला पराठा बनता है, बिल्कुल बनता है, वो मैंने अफगानिस्तान में खाया था। तो मैं वैसे फूडी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने फूड ट्राई करने का मन करता है, और आई थिंक कि हाँ फूड भी बहुत टेस्टी और स्वाद वाला रहने वाला है। और टूरिस्ट प्लेसेस की अगर बात करूँ तो मुझे ज़्यादा उसकी नॉलेज नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उज्जा वैली पहाड़ और पहाड़ बहुत खूबसूरत है वैसे पाकिस्तान, और हमारे शहरों के बारे में भी कुछ सेइंग्स हैं, जैसे लाहौर है उसके बारे में पंजाबी में कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जगह ही। तो अब तो जो है ना आपको कहते हैं कि आप आए तो शेख लाए पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें इंशाल्लाह ताला। तो ये थे जनाब लव कलरा साहब। एक्चुअली लव जी जा रहे हैं संजान, इस वक्त हम हैं मेट्रो में, तेहरान मेट्रो में, आपको शोर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इसके लिए आपसे माजरत, लेकिन लव जी से टाइम लेना, इनसे बातें करना ये बड़ा मुश्किल रहता है हमेशा से। तो अभी जा रहे थे तो हमें मौका मिल गया, हमने कहा चलो ट्रेन में इनसे कुछ बातें कर लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी, कुछ और कहना चाहेंगे आखिर में पाकिस्तान की आवाम को कर रहा? हाँ मतलब लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब
हाँ वैसे जो हमारा क्रिकेट मैच होता है वो थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग होता है, उस समय इमोशंस काफी हाई होते हैं, तो मतलब ये हार जीत तो ये सारी चीजें चलती रहती है। या अगर कोई भी चीज है, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन भी है, तो बस वही है कि कुछ चीजों को हमें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर मीडिया भी हमें कुछ दिखाए तो उसको सीरियसली नहीं लेना है हमें। मतलब घूमना है हमें, एक दूसरे से मिलना है। अगर हम मान लो मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता या इंडिया नहीं आ सकते, आप कहीं और ट्रैवल कर सकते हैं, आप ट्रैवल करिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। हमारा ट्रैवल चैनल है, तो मतलब हम चाहते हैं कि ट्रैवल के जरिए, और तो कोई जरिया नहीं है मतलब एक दोस्ती को बढ़ाने का या मतलब एक दूसरे को समझने का। क्योंकि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप शायद जैसे ये भाई उससे मिले हैं, और मैं काफ़ी सारे पाकिस्तानियों से मिला हूँ, ताजिकिस्तान में काफ़ी लोगों से मिला हूँ, साथ में खाना बनाना। तो ये कि ट्रैवलिंग आपका माइंड खोलती है, आपको चीज़ें सिखाती है, आप ज़्यादा जानते हैं। जब आप चीज़ें जानेंगे, आप समझेंगे, तो आपके लिए प्यार बढ़ेगा और सब कुछ बढ़िया होगा। जीते रहिए कलरा जी, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपका आगे वाला सफ़र जो है वो इंतहाई खैरियत से हो, और अपनी ज़िंदगी की आप जो रंगीनियाँ हैं, जो सकीनियाँ हैं, वो भी वो सारी इंजॉय करें। और इंजॉय बहुत ही सिंपल ब्लॉग्स होते हैं ऐसे ही। आपने देखे कालरा ब्लॉग से भाई के जो है ना वो ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब चैनल है इनका, तो आप उधर जाएं देखें और इंजॉय करें। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप इंजॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ थोड़े से क्या कहते हैं कि वो क्या उसको कहते हैं इंटरटेनिंग, हाँ इंटरटेनिंग भी मिले होते हैं इन भाई के ब्लॉग। आप ज़रूर जाएँ देखें कालरा ब्लॉग्स। तो ये थे हमारे साथ लव कालरा जी, बातें कर रहे थे। इनकी बातें तो बहुत लंबी होती हैं जब पाकिस्तानी और इंडियन मिलते हैं, लेकिन चूंकि समय का मसला है, टाइम का इशू है, टाइम थोड़ा थोड़ा रहता है, तो फिर उम्मीद है, मुझे ऐसे लगता है कि हमारी फिर बड़ी जल्दी किसी ना किसी जगह पर मुलाकात हो, हमारा इराक में मिले तो उस वक्त के लिए उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़। इजाज़त दीजिए तहरान से मुझे और कालरा को, और खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत ही बढ़िया, 11 मिनट का लगा। ये हम मेट्रो में बातें कर रहे थे, ये मेट्रो का अंदरूनी मंजर है। ये तो लोग बहुत ज़्यादा मेट्रो में सफ़र करते हैं तहरान में, तो अब हमारा स्टेशन भी आ गया, नीचे उतरते हैं और उसके बाद फिर आपको किसी और जगह पे आपसे रूबरू होते हैं।